दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एशियन डेबीसी। आज के वीडियो में दोस्तों कई सारे मेरे दोस्तों का कमेंट है और कई लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि अजय भाई मुझे वो चीज बताइए जो एक सुपरवाइजर आता है हमारे फार्म पर और वो बुक को जोड़ते हैं, कहते हैं आपका एफसीआर इतना आ गया है, इतने कैसे आ गया, तो एफसीआर जोड़ना हम नहीं जानते हैं, हम अपनी बुक की कास्ट नहीं निकालना जानते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाइएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप दोस्तों को एक जो जानकारी मुझे है मैं वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग एक एक करके क्रम बाई क्रम उन सभी चीजों को सीखने की कोशिश करते हैं कि एफसीआर कैसे निकाला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे आपकी बचत होती है, निजी फार्मिंग में कैसे आपका बचत होता है, वो बहुत सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट हम लोग समझेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, ये हो गया एफसीआर कैसे निकाले, है ना। अब एफसीआर निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होता है, हम यहां पे मान रहे हैं, माना मेरे पास 2000 मुर्गे हैं, मुर्गे, ठीक। तो ये 2000 मुर्गे जो है दोस्तों, इन्होंने दाना कितना खाया है हमारा, मैं इसको केवल एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब 2000 चूजे हैं हमारे पास, इन्होंने फीड जो खाया है वो खाया है 128 बैग दाना खाया है, ठीक है, बैग दाना दाना खाया है हमारे मुर्गों ने। एक बैग जो दाना खाया है दोस्तों, जो हमारा मुर्गा, एक बैग का वजन कितना है, 50 केजी, ठीक है। एक बैग का दाना, एक बैग दाने का वजन है 50 केजी। इसलिए हमें क्या करना होगा कि हम टोटल जो वजन है यानी 50 × 128 करेंगे। पूरी बात ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। तो इस तरह से हमारा ये बन गया, ठीक है, यानी हमारे मुर्गे 2000 मुर्गे ने दाना कितना खाया है, इतना दाना खाया है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों कि इसके लिए हम कैसे निकालेंगे कि भाई इतना दाना तो ये खाया है हमारा मुर्गा। अब हमें औसत वजन निकालना होगा इसका, बर्ड का जो है हमारे, कि हमारा जो माल है वो कितना बन रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुल बर्ड की संख्या, कुल बर्ड की संख्या को हम औसत वजन से गुणा करेंगे। औसत वजन दोस्तों, औसत वजन निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि कहीं बीच में ऐसे गोला लगाना होगा और गोले में जितने भी बर्ड हो, चाहे आपके 50 बर्ड फंस रहे हो या 30 बर्ड फंस रहे हो या 100 बर्ड फंस रहे हो, ये सभी बर्ड का वजन निकालना है। और जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 30 बर्ड फंस गए हमारे गोले में, तो हम 30 बर्ड का वजन हमारे आएगा, अगर मान लीजिए कि ये आ गया लगभग 150 केजी अगर वजन आ गया, ठीक है, और बर्ड कितने हमारे 30, तो 30 से इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है, 5 × 15 यानी 5 किलो का, इस तरह ये एग्जाम्पल के लिए हमने बताया है। बाकी ये इतना वजन कहां जाएगा मुर्गी का, तो ये एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझिएगा। औसत वजन इसी तरीके से निकाला जाता है। तो औसत वजन में दोस्तों आपके मुर्गे का, जैसे माना हमने कि वजन, औसत वजन जो आ रहा है 2 किलो 300 ग्राम, ठीक है, और बर्ड की संख्या हमारी कितनी है, 2000 है, तो इसको इसको अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो आ जाएगा 46 केजी, ठीक है।
यहां तक बात समझ में आ गई सबको। अब आपको ये जो चीज हमने लिखा है दोस्तों, इसको हमें मिटाना पड़ेगा, क्योंकि हम फार्मूले पे बात करेंगे और फार्मूला भी आप लोगों को बताएंगे कि FCR निकालने का जो फार्मूला है वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो फार्मूला इसका क्या होता है, FCR बराबर होता है कुल दाना दाने का वजन बटे भागे, इसको भाग करेंगे कुल बर्ड के वजन से। ठीक है, तो अभी हमारा वजन क्या आया था, दाने का वजन आया था 6400 kg बटे मुर्गे का वजन कितना आया है 4600 kg, इससे इसको हम भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1.391 के नियर अबाउट नहीं एक्चुअल। तो हमारा FCR कितना गया इस तरह से दोस्तों, FCR हमारा गया 1.391, ये हमारा गया FCR। ठीक है, यानी कि आपका मुर्गा जो 1 kg का तैयार हो रहा है, 1 kg मुर्गे का वजन कितना दाना खा के तैयार हो रहा है, 1 kg 391 g दाना खा के आपका मुर्गा तैयार हो रहा है। अब बात आती है दोस्तों कि सभी लोगों के मन में ये डाउट होता है, अक्सर करके नए किसान भाइयों के मन में डाउट होता है, वो डाउट भी मैं क्लियर करना चाहता हूं। अब मान लीजिए दोस्तों कि आपके आपका अपना निजी फार्म है, पहले मैं निजी फार्म के बारे में बताऊंगा, इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट वाले का भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जो निजी वाले को बताऊंगा और कॉन्ट्रैक्ट वाले रह जाएंगे तो वो लोग बाद में कमेंट करेंगे कि भाई निजी वाले को बताया और आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले को नहीं बताया। तो इसमें क्या करना होगा दोस्तों, पहले मैं निजी के लिए लिखता हूं, निजी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो चिक्स आया है, चिक्स ये कितने रुपए में आया है, मान के चलिए 25 रुपए में आया है। ठीक है, इसके बाद दवा हम जो लगाए हैं वो लगभग मान के चलिए 2 से 1.5 रुपए बहुत हो गया दवाओं पे, 1.5 रुपए की दवा हमारी हो गई। दाना हमारा कितना 42 रुपए पर केजी, और दाना खाया कितना है हमारे मुर्गे ने 1.391 रुपए का दाना खाया, इसलिए कितना हो गया ये, इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 58.422 रुपीज। ठीक है, ये रुपए में आएगा दोस्तों। अब अगर हम लोग क्या करते हैं, ये सभी को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारा जो आएगा उतने रुपए में ही हमारी तैयारी बनेगी। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि ये 25 रुपए का एक चूजा है और एक चूजे का वजन हमारे गया है 2 kg 300 g, तो हमें क्या करना होगा, इसको अपन 2 से भाग कर देंगे तो ये लगभग 12.5 रुपए के करीब में आएगा। तो हम लोग अगर सारी चीजों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारी तैयारी जो आती है दोस्तों 72 रुपए, और ये हमारी तैयारी निकल के आ गई। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि आपका जो रेट है, आज का रेट है मान लीजिए, माना 100 रुपए केजी है, ठीक है, 100 रुपए केजी हमारा मुर्गा बिक रहा है, तो हमें 1 kg मुर्गे में कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये निजी वालों के लिए है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वालों के लिए अभी बताएंगे दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे,
कि 100 रुपए में से इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें आएगा कितना, बचेगा कितना, 27 रुपए 60 पैसा। ठीक है, 27 रुपया 60 पैसा हमें, अगर हमारा मुर्गा 100 रुपए में बिक रहा है तो हमें इतने की बचत हो जाएगी। तो इस तरह से अभी हमने पहले जो हमारा माल तैयार हुआ था वो हुआ था 4600 kg इंटू 27.60। इसको अगर गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 126,960 रुपए। ये हमारा 2000 मुर्गे में इस तरह से प्रॉफिट आएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये तो हो गया निजी के लिए। निजी में दोस्तों अगर आपका रेट 100 रुपए में होता है और आपका एफसीआर 1.39 के करीब में आता है, तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तो आप लोग समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कैसे बचत होती है। ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है दोस्तों, इसको भी सबको समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं वो लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो पहले बात हो गई निजी की, अब क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। ठीक है, हम क्या करेंगे कि हमारी जो तैयारी अभी आई थी ये आई थी कितना, 72 रुपया 422। ठीक, अब क्या करोगे, इसमें ना एक चीज और है दोस्तों कि इसमें जो आपका ये जो तैयारी आई है इसमें कुछ चीजें वैसे भी छूट रहे हैं, जैसे भूसी हो गए, लेबर हो गए, वो मैंने पहले भी छोड़ रखा है क्योंकि मैं डायरेक्ट बुक के हिसाब से जोड़ रहा हूं। तो इसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे तो 3 रुपए जो एडमिन कास्ट लगभग लेती है कंपनियां, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो आपका टोटल क्या बन जाएगा, 75 रुपए। ये ठीक है, इतने रुपए में आपकी तैयारी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यानी आपका जो मुर्गा 1 किलो का मुर्गा तैयार हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, वो इतने रुपए में 75 रुपया 4 पैसे में तैयार हुआ है। अब देखिए इसमें फायदा नुकसान कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि सुगना, सुगना कंपनी है, सुगना कंपनी कहती है कि भाई आप लोग अगर 86 रुपए में हमको रेडी करके दोगे तो हम आपको कितना देंगे, 8 रुपया पर केजी हम देंगे आपको। ठीक है, 8 रुपया पर केजी तब सुगना आपको देगी। अब देखिए यहां पर जो ये 86 रुपया है और आपने मुर्गा तैयार कर दिया है 75 रुपया 4 पैसे में। ठीक है, तो ये 86 और 75 में कितना अंतर आ रहा है वो आप सोचिए। तो यहां पे आ रहा है लगभग 11 रुपए का अंतर, 11 रुपया इसमें और इसमें 11 रुपए का अंतर आ रहा है। तो जितना रुपया आएगा उसका आधा, जैसे 11 रुपए का 5.5 रुपए, तो 5.5 रुपए में हम 8 रुपया जो कंपनी दे रही है प्लस हमारा जो इतनी कम कास्टिंग आई है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 रुपए 5 पैसा और ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारा हो जाएगा दोस्तों 13,013 रुपया 50 पैसा। ठीक है, आप देखिए जैसे आपने जो माल रेडी किया था 4600 kg, ठीक है, इतना अभी आपने तैयार किया था ना, तो इसको क्या करोगे आप लोग, इससे गुणा कर दोगे 13 रुपए 50 पैसे से। ठीक है, इसको गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 62,100 रुपए। इतना आपका बनेगा, इसमें और बढ़ सकता है, घट भी सकता है। बढ़ने के चांसेस कैसे हैं दोस्तों, आपको रेट इंसेंटिव ये मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कभी कभी 10 पैसा भी मिलता है, 10 पैसा मिलता है, कभी 50 पैसा मिलता है, कभी 1 रुपए भी मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें 1 रुपए मिल गए तो ये आपका 13 जो है ये क्या हो जाएगा, सीधे 14 रुपए हो जाएंगे।
अगर ये 14 रुपए हो जाएंगे तो ये और आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी 4600 रुपए और ऐड हो जाएंगे इसमें। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग आशा करता हूं कि समझ गए होंगे कि कैसे अपने मुर्गे का बुक जोड़ना होता है, कैसे एफसीआर निकालना होता है और कैसे अन्य सारी चीजें करनी होती हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।